आएगा, कितना मजा आता है देखने के लिए आपको? बस बहुत मजा आता है वैसे, मतलब हर साल में देखने मजा आता है वैसे भी, तो इस साल भी कुछ मजा आ रहा था। अभी जैसे सलमान खान आते हैं वीकेंड पे, वार करते हैं, सब लोग को मस्त क्लास लेते हैं, तो कितना एंजॉय करते हैं? बस बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, वही वेटिंग में रहते कब बिग बॉस चालू हो रहा है, कभी हम लोग वही मतलब उत्साह में रहते। अच्छा, आयुष शर्मा का मूवी आ रही है पिक्चर, क्या आप देखने जाएंगे? जरूर जाऊंगा अभी। हाँ बहुत इंजॉय करती, एकदम फेमस मस्त थी, और उसमें सबसे बेस्ट मेरे को दीपिका लगती है, दीपिका कक्कर। हाँ, और आपका फेवरेट जोड़ी कौन? जोड़ी में मुझे कोई इतना बेस्ट नहीं लगा, खान सिस्टर्स बेटर खेल रहे, बट दीपिका कक्कर तो ऑसम है। तो आपको क्या लगता है किसको आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? दीपिका। दीपिका को भी नाम है। हाँ, जैसे बिग बॉस एलिमिनेशन भी हो रहा है वीकेंड का वार में, जो सलमान आते हैं सबको क्लास लेते हैं, कितना एंजॉय करते हैं आप? सलमान खान स्पेशली मैं तो सैटरडे संडे देखती हूँ, बिकॉज सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, और मोस्टली बीच बीच में देखती हूँ, लेकिन नॉर्मली अच्छा ही है बिग बॉस, बट अभी ज़्यादा टास्क वगैरह नहीं दे रहे ना, इसके लिए थोड़ा बोरिंग बता रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह के टास्क देने चाहिए? मीन्स अभी झगड़े भी नहीं हो रहे ज़्यादा। अगर आपके अगर आपको चांस आया तो बिग बॉस में जाने के लिए? हाँ डेफिनेटली, मैं तो एकदम जाना ही है मुझे बिग बॉस में, एक दो साल के बाद जाएंगे इंशाल्लाह। मैं विश तो श्रीशांत को, बहुत अच्छे है वो, मतलब वो ज्यादा केयर करते सबकी, और कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं और बहुत कुछ बोल भी देते हैं कंटेस्टेंट्स को। मैं श्रीशांत को यही बोलना चाहूंगी कि एकदम सेफली खेले, सिक्योर खेले, और सबकी ऐसी तरह केयर करते रहे। थैंक यू। तो इस बार बिग बॉस 11 आ रही है डिफरेंट डिफरेंट जोड़ियों के साथ। हाँ, कितने एक्साइटेड हो आप देखते, कितने फॉलो करते हो? मैं रेगुलर बेसिस पे बिग बॉस एक तो फॉलो करती हूँ, और नॉर्मल अभी अभी कल का टास्क हुआ था जिसमें मतलब एक तरफ जोड़ी थी और एक तरफ ये था, तो जोड़ियों ने बहुत गंदा किया जो भी किया वो लोगों के साथ में, बट अब जब जोड़ी की बारी है आज, वो जो दिखाने वाला है वो बहुत मतलब अच्छा दिखाएगा, क्योंकि जोड़ियाँ थी ज़्यादा वेट में, बट उसमें से एक वो क्या नाम है वो भैया है ना जो गांव से आया, उसने दीपक, उसने पूरा गेम चेंज कर दिया, क्योंकि वो जोड़ियों के साइड से बोला, तो अब जब जोड़ियां हैं तो वो दीपक को सेव कर रही है, क्योंकि वो सोच रही दीपक लास्ट में खेले और हम लोग उसको सिलेक्ट करके हटा दे, तो वो लोग पहले शायद से जसलीन को भेज रहे हैं, तो जसलीन भी आउट हो गई है, मतलब उन्होंने दे दिया सामने से और बोला आप लोग इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था, तो एक्साइटमेंट बहुत है आज के लिए। आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन कौन सी जोड़ी है? मेरे हिसाब से दीपक भी है और जसलीन और अनूप जी। जैसे भी वीकेंड पर वार आता है, वीकेंड का वार जो एलिमिनेशन भी होता है, जो सलमान आते हैं सैटरडे वीकेंड, हाँ, तो कितना एंजॉय करते हैं आप? मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरे को सलमान खान बहुत पसंद है, एक्चुअली मेरी जान है वो, आज 7 बजे आने भी वाले, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है वीकेंड का वार, और सेलिब्रिटीज भी आते रहते हैं। आपको एक चांस आया फॉर एग्जांपल हाँ मैं तो जाऊंगी, ऑफ कोर्स जाऊंगी, क्योंकि मैं बिग बॉस को बहुत फॉलो करती हूँ। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन? कंटेस्टेंट में मतलब कंटेस्टेंट जोड़ी में तो कितना मजा आ रहा है जो लास्ट वाले बिग बॉस में? नहीं एक्चुअली लास्ट वाला अच्छा था मेरे हिसाब से, और अभी वाला उतना अच्छा नहीं, क्योंकि जोड़ियों के पास ज्यादा मेजोरिटी है और सिंगल्स के पास उतना पावर नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम है। अगर आपका वाइल्ड कार्ड एंट्री रहेगा तो किसको वापस आना चाहिए जो लास्ट कंटेस्टेंट में थे? हाँ उसमें से अर्शी को आना चाहिए, क्योंकि वो भाई वो है अर्शी खान, हाँ वो बहुत एंटरटेनमेंट करती है और अभी भी वो बहुत एंटरटेनमेंट कर रही है बाहर जाके। अभी आज मूवी भी रिलीज हो रही है आयुष शर्मा की, जो हाँ हाँ लव रात्रि, तो आप ट्रेलर देखे, टीजर देखे? हाँ ट्रेलर भी देखा और टिकट भी कर रहे वाले और हम जा रहे देखे। हाँ बहुत हाँ हाँ नहीं सेकेंड शो जाएंगे, फर्स्ट शो का बहुत ज़्यादा प्राइस होता है ना। थैंक यू।